तो ये दोस्तों, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त टेक वर्ल्ड बाय रिशु। तो यार, आज की वीडियो में कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म लेके आया हूं, कुछ ऐसी वेबसाइट लेके आया हूं जहां से आप अपनी यूट्यूब वीडियोस के लिए क्लिप उठा सकते हैं, फ्री स्टॉक वीडियोस उठा सकते हैं या फ्री स्टॉक फोटोज उठा सकते हैं। आपको वहां पे वीडियोस भी मिल जाएंगी, फ्री स्टॉक फोटोज और वीडियोस दोनों मिल जाएंगी, जिसे आप अपनी यूट्यूब वीडियोस में यूज करके अपनी वीडियोस को एमर्जिंग बना सकते हैं, अपना वॉच टाइम इंक्रीज कर सकते हैं। और लास्ट में बने रहिएगा, वीडियो के लास्ट में मैं एक ऐसी चीज बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ही जरूरी होने वाली है। मैं लास्ट में बताऊंगा कि कैसे आप अपनी YouTube वीडियो में कोई सी भी क्लिप यूज कर सकते हैं, या फिर वो लाइव क्रिकेट हो, या फिर कोई सा सीरियल हो, या फिर कोई मूवी हो, आप कोई सी भी क्लिप अपनी वीडियो में यूज कर सकते हैं, वो भी बिना किसी कॉपीराइट के। आपकी वीडियो में YouTube वीडियो में कोई कॉपीराइट नहीं आएगा। तो ऐसी कौन सी चीज है जिससे आपकी वीडियो में कॉपीराइट नहीं आएगा, इस चीज के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी कौन सी चीज है जो अपनी वीडियो में कर सकते हैं और ऐसी कौन सी वेबसाइट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहली वेबसाइट से। तो सबसे पहली वेबसाइट है mixkit.co। तो यहां पे आप देख सकते हैं mixkit वेबसाइट, यहां पे आपको फ्री स्टॉक फोटोज भी मिलेंगी, फ्री स्टॉक वीडियोज भी मिलेंगी, जिसे आप अपनी वीडियोज में यूज करके अपनी वीडियोस को इमर्जिंग बना सकते हैं, अपनी वीडियोस को इंटरैक्टिव बना सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे, साथ ही साथ यहाँ पे आपको स्टॉक म्यूजिक या फिर साउंड इफेक्ट्स भी मिल जाएंगे जो आप अपनी वीडियोस ब्लॉग्स में यूज कर सकते हैं। जैसे कि जिस भी टाइप की आपको क्लिक वीडियोस क्लिप चाहिए, यहाँ पे जस्ट सर्च कर लीजिए। जैसे कि मेरा ब्लॉग चैनल है, तो ये देखिए यहाँ पे मैंने ट्रैवल डाला और यहाँ पे मेरे पास ट्रैवल की वीडियोस आ चुकी हैं, वो भी 4K में आप देख सकते हैं। तो कोई सी भी वीडियो यहाँ से आप अपनी वीडियोस में यूज कर सकते हैं, YouTube वीडियोस में, वो भी बिना किसी वॉटरमार्क, बिना किसी कॉपीराइट क्लेम के। तो ये थी हमारी पहली वेबसाइट। दूसरी वेबसाइट हमारी आती है vidzy.com। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको फ्री फुटेज, स्टॉक इमेजेस, स्टॉक वीडियोस के साथ साथ यहाँ पे आप कैटेगरीज भी चूज कर सकते हैं। मुझे पता है यार, मैं खुद भी अपनी वीडियोस एडिट करता हूँ, तो वीडियोस एडिट करने में जब भी आप कोई क्लिप ढूंढते हैं तो क्लिप ढूंढने में आपको बहुत टाइम लग जाता है। तो इसलिए यहाँ पे आप कैटेगरीज वाइज भी क्लिप ढूंढ सकते हैं। यहाँ पे आप ब्राउज बाय कैटेगरी में जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारी कैटेगरीज हैं यहाँ पे। जैसे कि आप एनिमल्स या वाइल्ड लाइफ पे वीडियोस बना रहे हैं, या फिर आर्ट की वीडियोस बना रहे हैं, या फिर बैकग्राउंड में कुछ दिखाना चाहते हैं, या फिर नेचर की वीडियोस बना रहे हैं, या फिर स्काई, स्लो मोशन, यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरीज हैं। आप किसी भी कैटेगरीज को चूज कर सकते हैं और अपनी वीडियोज में उन कैटेगरीज को यूज कर सकते हैं। तो ये वाली वेबसाइट जो है स्पेशली भाई फैक्ट वीडियोस के लिए बहुत यूज आती है, या फिर स्टोरी टाइप वीडियोस आपको बनानी हो तो उनके लिए वेबसाइट बहुत अच्छी है। तो इसके बाद आती है थर्ड वेबसाइट, जो मैं पर्सनली बहुत ज्यादा यूज करता हूं, जिसकी क्लिप्स मैं अपनी वीडियोस में, वो है pixel.com। तो यहां पे आप देख सकते हैं pixel.com, यहां पे आपको फोटोज, वीडियोस, आप लैंडस्केप में चाहते हैं, आप पोर्ट्रेट में चाहते हैं, हॉरिजॉन्टल में चाहते हैं, सारी टाइप की मिलेगी। जस्ट यहाँ पे आपको लिख दीजिए जो भी चाहिए, कुकिंग, ये देखिए कुकिंग, ट्रैवलिंग, एक्सरसाइज, आप जो भी यहाँ पे सर्च करेंगे आपको उससे रिलेटेड यहाँ पे वीडियोस मिल जाएंगी। और ये नहीं, यहाँ पे एक दो वीडियोस हैं, यहाँ पे हजारों में वीडियोस हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं वीडियोस, यहाँ पे 9000 एक्सरसाइज की वीडियो है। तो वीडियोस यहाँ पे कभी खत्म नहीं होने वाली, और आपकी वीडियो में कॉपीराइट क्लेम या यहाँ पे आपका वॉटरमार्क कभी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मैं पर्सनली यूज करता हूँ और बहुत अच्छी है वेबसाइट है, इसे अपनी वीडियोज में यूज करिए, अपनी वीडियोज को इमर्जिंग बनाइए, इंटरेक्टिव बनाइए यार। ये था थर्ड। इसके बाद आता है फोर्थ। तो फोर्थ स्टार्ट करने से पहले, जैसे कि मैं बता रहा था, ऐसी कौन सी चीज है जिसे यूज करके आप कोई सी भी क्लिप अपनी वीडियोस में यूज कर सकते हैं, आपकी जैसे मूवीज हो गई, आपकी सीरियल्स हो गए, या फिर लाइव क्रिकेट हो गया, आप कैसे अपने चैनल में डाल सकते हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फोर्थ वेबसाइट। तो फोर्थ वेबसाइट है यहाँ पे vidivo.net।
पे देखते हैं, जैसे कि कोई सी भी आपकी वीडियोस होती है, आपका ब्लॉगिंग चैनल है, ट्रैवलिंग चैनल है, आपको साउंड्स की बहुत जरूरत पड़ती है, तो ये वेबसाइट स्पेशली साउंड्स या म्यूजिक इफेक्ट के लिए है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ढेरों टाइप के साउंड इफेक्ट्स या म्यूजिक ट्रैक्स मिल जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सप्लोजन, एमआई एक्सप्लोजन, एम्बियंस, रेनफॉल, हर्ट बीट, तो यहाँ पे ढेरों यहाँ पे साउंड इफेक्ट्स मिल जाएंगे। या फिर म्यूजिक ट्रैक जो कि आप अपनी म्यूजिक आप अपनी यूट्यूब वीडियोस में यूज करके अपनी वीडियोस को इंटरेक्टिव बना सकते हैं, बहुत अच्छा भाई, एक अलग ही इफेक्ट आता है अगर वीडियो में साउंड इफेक्ट आ रहा हो या फिर म्यूजिक ट्रैक चल रहा हो, तो एक अलग ही चीज आती है भाई वीडियो में। तो इसके बाद आती है हमारी लास्ट वेबसाइट जो कि है pixabay.com। भाई सारी चीजों का एक स्टॉप है ये, यहाँ पे आपको सब चीज मिलेगी, चाहे आपकी वीडियोस हो, चाहे आपकी वीडियोस के लिए फोटोज हो, इलस्ट्रेशन हो, वेक्टर हो, वीडियोस हो, म्यूजिक हो, साउंड इफेक्ट हो, जिफ हो, यहाँ पे आपको सारी टाइप की चीजें मिल जाएंगी। जैसे कि मान लीजिए आप यूनिवर्स पे कुछ बना रहे हैं, तो यहाँ पे यूनिवर्स में सर्च करेंगे आप, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनिवर्स से रिलेटेड आपको सन, मून, अर्थ, गैलेक्सी सब टाइप की आपको इमेजेस, वीडियोस यहाँ पे मिल जाएंगी। ये देखिए यूनिवर्स से कितनी अच्छी अच्छी फोटोज हैं, और वो भी 4K में। तो जैसे कि मैंने बताया था लास्ट में, मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि कैसे आप अपनी वीडियोज में कोई भी क्लिप यूज कर सकते हैं, वो भी बिना किसी कॉपीराइट क्लेम के, चाहे वो लाइव क्रिकेट हो या फिर कोई सीरियल हो या फिर आपकी मूवीज हो, तो कैसे यूज कर सकते हैं, तो उसके लिए कौन सी वेबसाइट है, तो उसके लिए आपकी भाई YouTube.com। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, आप YouTube.com से भी कोई क्लिप उठा सकते हैं। आप सोचते हैं कि YouTube से भी तो कोई सी भी क्लिप उठाते हैं तो उस पर कॉपीराइट क्लेम आ सकता है, तो बस थोड़ी सी समझदारी की जरूरत है। यहाँ पे आप YouTube पे जाएंगे, और जैसे कि मान लीजिए अभी थोड़े दिन पहले मैंने हिमाचल का एक ब्लॉग डाला था, ये आप ब्लॉग देख सकते हैं, ये ब्लॉग थोड़े दिन पहले मैंने हिमाचल का डाला था, और मुझे इस ब्लॉग में हिमाचल का एक ड्रोन शॉट चाहिए था, तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ हिमाचल ड्रोन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हिमाचल ड्रोन 4K में आ गए हैं। सर्च फिल्टर करेंगे, तो फिल्टर में आप जैसे ही सर्च करेंगे आपको क्रिएटिव कॉमन सर्च कर देना है और अप्लाई कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे हिमाचल के ड्रोन इफेक्ट आ गए हैं, आप कोई सा भी ड्रोन इफेक्ट उठा सकते हैं और अपनी वीडियोस में यूज कर सकते हैं, उस पर आपको कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये जो चैनल है, ये जो वीडियो है, इस चैनल की ओरिजिनल वीडियो हो, इस वीडियो को पहले किसी ने यूज ना करा हो, और इस क्लिप को आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं कि भाई पहले 5-6 सेकंड यूज करिए, फिर थोड़ी सी कोई दूसरी क्लिप डाल दीजिए, फिर 5-6 सेकंड बाद यही क्लिप डाल दीजिए। ऐसा मत करिएगा कि भाई एकदम से आप पूरी वीडियो उठा रहे हैं और पूरी वीडियो उठा के आपने अपनी वीडियो में डाल दी, तो फिर जरूर कॉपीराइट आ जाएगा। तो आप थोड़ी थोड़ी क्लिप डाल सकते हैं, 6 सेकंड की डाली आपने, फिर कुछ दूसरा दिखा दिया, फिर 6 सेकंड की डाल दी, तो इस तरीके से अपनी वीडियो की एडिटिंग करिएगा। तो ये था आज की वीडियो में। इसके बाद मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ कि कॉपीराइट फ्री म्यूजिक आपको चाहिए या फिर जो मैं अपनी वीडियोस में यूज करता हूँ आप कहाँ से ले सकते हैं, तो भाई चैनल पे बने रहिएगा, नेक्स्ट वीडियो उसी से रिलेटेड आएगी। तो चैनल को जल्दी से, अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। जल्दी मिलेंगे आपके साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।